राजधानी देहरादून में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चंद्रबनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें जांच में यह पाया गया कि मृतक मंजेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या का क्या कारण है यह बात साफ नहीं हो पा रही थी। वहीं पुलिस ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो सीसीटीवी कैमरे के बाद पहले आरोपी सचिन को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने हत्या करना स्वीकार किया, फिर अपने दूसरे साथी अर्जुन के भी हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की गई, जिसके बाद आरोपी अर्जुन को भी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह बात निकलकर सामने आई कि एक जमीन की प्लॉटिंग में कमीशन के चलते इस हत्या की साजिश को आरोपी संजय द्वारा अंजाम दिया गया। इसके अलावा एक और आरोपी अफजल के इस पूरे मामले में शामिल होने की बात भी सामने आई है। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा चार गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें से दो आरोपी अर्जुन और संजय के खिलाफ हत्या और संजय और अफजल के खिलाफ हत्या में शामिल होने की धाराएं लगाकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें टोटल जो है चार लोग की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी, तो चार लोग शामिल थे जिसमें सचिन, अर्जुन गोसाई, संजय और फौजी जो फौज से रिटायर होकर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और अफजल जो विकास नगर का रहने वाला है। इसके अन्यत्र अन्य किसी का नाम भी इससे प्रकाश में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरा मामला खाली प्रॉपर्टी के जो प्लॉटिंग को लेकर जो कमीशन आना था वो था, और साथ ही साथ जो मृतक के अकाउंट में 38 लाख थे उसको कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में या कहीं ना कहीं विड्रॉ करके उसको हासिल करना था, इस कारण इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।